नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच अब देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शिंदे की तरफ से शिवसेना का हाथ छोड़ने के बाद से सरकार अस्थिर हो गई थी और अब जाकर के ठाकरे सरकार गिर गई है और अब जल्द ही नई सरकार बनने वाली है। बिजनेस यानी कि व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना सबसे सफल प्रदेश की श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष 7 में शामिल हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव भी महज औपचारिकता भर रह गया है। संख्या बल के हिसाब से भाजपा की अगुवाई वाले राज्य उम्मीदवार की जीत तय है। निगाहें इसी पर जमी है कि उम्मीदवार के सवाल पर भाजपा पर चुनाव में कौन सा सियासी दांव चलती है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर लोगों को डराने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,819 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 39 लोगों की संक्रमण से जान चली गई। नए मामले सामने आने के बाद ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,34,52,164 हो गई है। वहीं 24 घंटों के अंदर 39 लोगों की जान जाने के दौरान ही संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 5,25,116 पर पहुंच गई है। इसराइल में भी राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। यही वजह है कि संसद को भंग कर दिया गया है। 4 साल में देश में पांचवी बार 1 नवंबर को फिर से चुनाव कराए जाएंगे। इस दौरान याइर लपिड कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसराइल के विदेश मंत्री और वास्तुकार याइर लपिड शुक्रवार की आधी रात के बाद देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन जाएंगे। महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण को दोषी ठहराए जाने के 9 महीने बाद अमेरिकी पॉप गायक और कैली को बुधवार को स्थानीय समयानुसार सजा सुनाई गई। कैली को 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है और कैली को पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क की अदालत ने 8 महिलाओं की तस्करी का दोषी ठहराया था। इसके बाद से उसकी सजा पर बहस चल रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के मौसम में आज बदलाव देखने को मिला है। मॉनसून का इंतजार कर रहे लोगों को गुरुवार सुबह तब राहत मिली जब कई इलाकों में तेज बारिश हुई। दिल्ली में मॉनसून की दस्तक हो गई है। बारिश की वजह से पिछले कई दिनों से पड़ रही चुपचुपाती गर्मी से भी राहत मिली है। दिल्ली NCR के इलाकों में आज आंधी तूफान का भी अलर्ट है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। जुलाई महीने में ही झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट देवघर से उड़ान शुरू हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके 2-3 दिन बाद से यहां के व्यावसायिक विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी अब अपने रिटायरमेंट की तैयारी शुरू कर चुके हैं। रिलायंस जियो का बिजनेस अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी के हाथ में सौंपने के बाद अब मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी के लिए भी बड़ी योजना तैयार कर ली है। कुछ सामान और सेवाओं की कीमत 18 जुलाई से बढ़ने वाली है। वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल के दरों में बढ़ोतरी और कुछ छूटों को वापस लेने की इजाजत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि GST दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी का मकसद वैल्यू चेन में अक्षमताओं को दूर करना है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लगातार भारी बारिश की वजह से बुधवार रात भूस्खलन की चपेट में आने से आम लोगों के साथ साथ टेरिटोरियल आर्मी के कई जवान इसकी चपेट में आ गए हैं। ये घटना तुपुल रेलवे स्टेशन के पास हुई है। अब तक 7 लोगों के शव बरामद किए गए थे जबकि 45 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए थे। रेलवे के अनुसार अब तक 19 लोगों की जान भी बचाई जा चुकी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना के बागी नेताओं के खिलाफ 7 नागरिकों द्वारा दायर याचिका को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा 1,00,000 रुपए की जमानत राशि जमा कराने की शर्त पर सुनवाई करने की बात कही है। अमेरिका ने कहा है कि वो रूस के तेल निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए ज्यादा खपत वाले भारत समेत अन्य देशों के साथ संपर्क में है। हालांकि हाल ही में आयोजित G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। भारत की शहरी आबादी के 2035 तक 67.5 करोड़ हो जाने का अनुमान है और इस मामले में देश चीन की 1 अरब शहरी जनसंख्या के मुकाबले दूसरे स्थान पर होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया में शहरों में रहने वालों की संख्या पिछले स्तर पर पहुंच गई है और 2050 तक इसमें 2.2 अरब की वृद्धि की संभावना है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने 27 मार्च 2022 को बतौर मुख्यमंत्री शपथ लिया। धामी मंत्रिमंडल में सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा शामिल उन्होंने किया है। केंद्र सरकार की तरफ से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेक्टर के अच्छे भविष्य के लिए कई योजनाएं बनाई गई। मोदी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME को मजबूत कड़ी के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर माना जा रहा है।
अब सभी ट्रोलिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि केआरके के ने आखिरकार अपना फैसला बदल लिया है, क्योंकि उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रक्षाबंधन की बड़ी फिल्म होने की भविष्यवाणी की है। उन्हें लगता है कि फिल्म के ट्रेलर को मिली प्रतिक्रिया से ये अक्षय कुमार की अब तक की सबसे बड़ी हिट बन सकती है। उन्होंने ट्वीट किया कि दुनिया भर में लोग # रक्षाबंधन के ट्रेलर को पसंद कर रहे हैं। ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। रूस यूक्रेन के बीच महीनों से जारी लड़ाई के चलते ग्लोबल फूड क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस नई परिस्थिति में दुनिया फूड आइटम के लिए भारत की तरफ देख रही है। रूस तेजी से इंडिया को क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट बना रहा है। वो संभवतः इंडिया को क्रूड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना सकता है। इससे इराक और सऊदी अरब की चिंता बढ़ सकती है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में मुख्यमंत्री का योजनाओं में पारदर्शिता पर अधिक जोर है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं की थर्ड पार्टी निगरानी कराकर सत्यापन कराए। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से कई सुझाव देता आ रहा है। नीति आयोग और TIFSC ने फोरकास्टिंग पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इन इंडिया की रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन मिलने लगेंगे। देश का 10वां GPS सिस्टम से लैस रेडियो विंड मशीन गया में लगाया गया है। ये बिहार की नहीं पड़ोसी राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए भी सतह से 20 किलोमीटर ऊपर मौसम के हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल ओवरब्रिज के निर्माण, नाले और स्ट्रीट लाइट के लिए 16,376 करोड़ रुपए की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद की बैठक में कार्ययोजनाओं को मंजूरी दी गई है। दिल्ली सरकार ने गांवों के विकास को लेकर बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक विधानसभा के अंदर जितने गांव हैं उन सभी के बजट को मिलाकर विकास कार्य किए जा सकेंगे। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के गांव का विकास करने के लिए हर गांव में 2 करोड़ रुपए की विकास कार्य करने की योजना की शुरुआत की थी। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से क्लाइमेट चेंज को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता जताई है और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की बात कही है। पीएम मोदी ने जर्मनी के एल्बो में कहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रतिबद्धताओं के लिए भारत का समर्पण इसके प्रदर्शन से स्पष्ट है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ग्लोबलाइजेशन का एक नुकसान यह है कि सभी देशों की घरेलू अर्थव्यवस्थाएं दूसरे देश के बाजार की स्थिति पर प्रभावित होती है। ऐसे गरीब जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और अपने आधार का बैंक से लिंक नहीं करवा रहे हैं वो आज ही लिंक करा ले, नहीं तो उनकी पेंशन रुक जाएगी, क्योंकि फिलहाल शासन की तरफ से इसके लिए तारीख नहीं बढ़ाई गई है। बिहार के लोगों की जाति गिनने के लिए पैसों का जुगाड़ हो गया है। इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बुधवार को दोनों सदनों से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के लिए खर्च होने वाली राशि की अनुमति मिल गई है। इस पर कुल 45,995 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से 500 करोड़ रुपए जातिगत जनगणना पर खर्च किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने सभी धर्मों का सम्मान करने और ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि विभिन्न समुदाय दुनिया भर में सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में रह सके। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने उदयपुर में एक दर्जी की निशंस हत्या के बाद राजस्थान में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव के बीच ये टिप्पणी की है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रवि दीवाना, सिद्धार्थ कुमार, कहला मनीष, रमन शर्मा, मिस्टर मुकेश कुमार, नंदन यादव, अमन कुमार, जितेंद्र कुमार, सूरज कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।